अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। मैंने लास्ट वीक ना बाइक में दो चीज़ें लगवाई हैं, जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट है। और उसमें मैंने अपनी बाइक में लेमिनेशन करवाई, मेन टंकी पे और साइड कवर पे प्लास्टिक की लेमिनेशन हुई है, और सीट का एक कवर लगवाया जो कि बड़ा कम्फर्टेबल है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेमिनेशन को इतनी ख़ास तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी आप लोग देख लें। कवर लगाया सीट पे जो कि बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है। ऐसे बात दो तीन घंटे कंटिन्यू बाइक चलाए ना, तो इसी इसके लिए बड़ा अच्छा ही है। मेरे ख्याल से ये 750 का लिया था मैंने। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है जिसके लिए वीडियो बनाई जा रही है, आपको प्लास्टिक के बबल्स नज़र आ रहे होंगे, बस इसमें ये मसला है। ये देखिए, इसके ऊपर एक प्लास्टिक चढ़ गई है, वाइट कलर की लगाई है मैंने इस पर, और ये साइड कवर पे, लेफ्ट राइट वाला साइड कवर और ये लेफ्ट वाला साइड कवर, दोनों साइड कवर में और टंकी पे, ठीक है। अच्छा, इसके फ़ायदे तो हैं, जैसे कि आपकी बाइक थोड़ी साफ़ सुथरी रहेगी, कोई क्या कहते हैं अपना स्क्रैच वगैरह नहीं आएगा, और कुछ आएगा तो वो प्लास्टिक पे आएगा। प्लास्टिक आप एक दो महीने तो बहुत कम बोल दिए, 1-1.5 साल बाद चेंज करा लो, लेकिन इससे थोड़ा कलर थोड़ा डल हो जाता है। ऐसे बात ऊपर एक चीज़ प्लास्टिक चढ़ी हुई है टंकी के ऊपर, कलर थोड़ा डल हो गया और ये थोड़े बुरे ही लग रहे हैं। ये देखिए बबल्स बनने में, या फिर मैंने किसी सही बंदे से नहीं करवाई, या फिर ये होती ही ऐसे, ठीक है। तो ये मैंने प्लास्टिक लेमिनेशन करवाई है 2700 to 2800 की, 2700-2800 रुपये की, और कवर आया 750 रुपये का, जो कि मुझे तो शोशा तो करनी नहीं है, लेकिन मुझे तो अपनी बाइक की सेफ्टी चाहिए थी, तो मुझे इस बबल से और इस बाइक के टंकी कलर को डल होने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको शोशा करनी है ज़रा दिखानी है, तो उनके लिए थोड़ा ये है, ठीक है। बाकी बस आप लोगों को ये अपडेट देनी थी। आज की वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।